हाँ सर, आप क्या करना चाहते हैं? अरे तुम मेरे को बात मत करो, तुम मुड़ जाओ, यूं गोली मार दूंगा, बंदूक नहीं है मेरे पास। अच्छा सर, तो आपके इधर अभी मेरे गांव में आना नहीं, आग लगा दूंगा तुमको, यूं में खिले ठोक दूंगा, पेड़ में टायर में। ठीक। अरे साहब, आपको साहब साहब क्या करे, मार के रख दे, दिख नहीं रहा तुमको, अंधे हो के आए तुम मेरे गाँव में? आना मत। हाँ तो साहब, डंडा डंडा गांड में घुसेड़ दूंगा, मुड़ो यहाँ से। उनकी माँ की 6 फीट की दूरी हाथ धोने से भी अधिक जरूरी, ये वो सोशल डिस्टेंसिंग वाला मंत्र है जो अब तक कोरोना वायरस से लोगों को बचाता रहा। सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना। पर दिल्ली में तबलीगी जमात ने इस पूरी सोशल डिस्टेंसिंग की मात के रख दी, जब वो हजारों की भीड़ में इकट्ठा हुए एक इस्लामिक सभा के लिए। इस सभा में सबसे पहले उन्होंने आपसी भाईचारा दिखाते हुए आपस में कोरोना वायरस फैलाया। उसके बाद ये लोग वापस अपनी स्टेट में गए, जहां पे वापस जाने के बाद इन्होंने अपनी अपनी स्टेट्स में कोरोना वायरस फैलाया। जहां पे इस कोरोना वायरस के 1000 केसेज होने में 8 हफ्ते लगे, वहीं 1000 से 2000 होने में केवल 4 दिन लगे। और इसमें सबसे बड़ा योगदान था इस तबलीगी जमात का। इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को क्यों नहीं माना, ये तुम्हें समझाने के लिए मैं कोई ज्ञान नहीं चोदने वाला, नहीं, बल्कि मैं तुम्हें 1-2 TikTok वीडियोस दिखाऊंगा जो इनकी विचारधारा वाली है, इनकी मानसिकता वाली है, ताकि तुम समझ सको इनके मस्तिष्क में क्या है। वेलकम टू इंडिया कोरोना वायरस। हमसे नागरिकता का सबूत मांगने वालों, मेरे रब की NRC लागू हो गई है, अब वही फैसला करेगा कौन रहेगा और कौन जाएगा। कोरोना जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, अल्लाह का अज़ाब है आप लोगों के लिए। बुद्धि का बोला कर देने वाले इन कुछ भेदों को देख के भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास प्राउड इंडियंस का सपोर्ट है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का सपोर्ट है। उन्हीं में से युवराज सिंह और हरभजन सिंह जैसे बड़े क्रिकेटर आज हमारे साथ जुड़ेंगे इस वीडियो में, मेरी सस्ती ग्रीन स्क्रीन, मेरे रद्दी वॉइस ओवर और मेरी सर्वदा सेक्सी रहने वाली एडिटिंग के माध्यम से। आप दोनों के आगे के प्लान क्या है? कोरोना से लड़ने के लिए हम भारतीयों से चंदा मांग रहे हैं। अब ये तो आपने उत्तम काम किया है भारत के लिए चंदा मांगने का। भारत के लिए हमने कब कहा, हम तो पाकिस्तान के लिए मांग रहे हैं। भारत में स्थिति इतनी खराब हो रही है और आप चाहते हैं कि लोग अपनी जेब से पैसा निकाले और पाकिस्तान को दान करें। हम बिल्कुल हम यही चाहते हैं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हट तेरी माँ की तेरी। और जैसा कि हरभजन ने बोला कि पाकिस्तान में सैफ फाउंडेशन, जो शायद अफरीदी की फाउंडेशन है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत से रूरल एरियाज में बहुत से गरीब लोगों की मदद करती है। तो प्लीज www.donate.corona.com पर जाके आप उन गरीबों के लिए, लोगों के लिए डोनेट कर सकते हैं। अभी भी इसका कहर जो है वो हम सबके ऊपर पड़ा हुआ है, चाहे वो भारत की बात करूं या पाकिस्तान की बात करूं। ये कहर हम सब पे पड़ा है, हमें मानवता दिखानी चाहिए, एकजुट होना चाहिए और पाकिस्तानियों को डोनेट करना चाहिए। बड़े ही सुंदर शब्दों का चयन है, परंतु क्या इसका वास्तविकता से कोई लेना देना है? वास्तविकता में इसका कोई मतलब है? सबसे पहले तो कोरोना वायरस की असल महामारी अभी आई नहीं है, अभी कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़ने शुरू हुए हैं। यदि तुम एक भारतीय हो और तुमने पीएम रिलीफ फंड में या कहीं पे भी भारत के लिए डोनेट किया है और तुम्हारे पास लगता है कि तुम्हें और भी पैसा है, तो तुम उस पैसे को भारत के लिए ही डोनेट करो, ताकि भारत इस आपदा से निपट सके। ये केवल मेरा ओपिनियन नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं, हो सकता है केवल मेरे ओपिनियन से तुम्हें झाट फर्क ना पड़े, लेकिन युवराज और हरभजन सिंह की इन वीडियोस के नीचे ऐसे कमेंट भरे पड़े हैं। तुम एक भारतीय होते हुए अपनी जेब से पैसा निकाल के पाकिस्तान जैसे देश को डोनेट क्यों करना चाहते हो, जो सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं लेता, दूसरा भारत का शत्रु है, न जाने कितने आतंकवादी हमले भारत में करवा चुका है। यदि पाकिस्तान कोरोना वायरस को सीरियस लेना चाहता तो वो ले सकता था, वो इसके विरुद्ध कुछ कर सकता था, कर सकता है, पर क्यों ऐसा है कि बिना बात के कुछ बंटी भारत में ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से पाकिस्तान को सहयोग देना चाहते हैं। देखो, ऐसे बंटी की केवल एक विशेषता है, बंटी तो चूतिया है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ये क्रिकेटर चाहते हैं कि हम शाहिद अफरीदी को पैसा भेजें। और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा शाहिद अफरीदी की फाउंडेशन को, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है इंसानियत को जिंदा रखने के लिए। कौन सा अच्छा काम किया है? शाहिद अफरीदी और उसकी फाउंडेशन तेरी कान में फुहारा चलाते हैं क्या, जब तू ये बकवास हगने के लिए निकलता है? देखो मित्रों, बुरा मत मानना यदि तुम एक क्रिकेट फैन हो, क्योंकि मेरी प्राथमिकता यहाँ पे कुछ और है। मैं एक भारतीय हूँ, इसलिए मेरे भीतर ये जिज्ञासा है कि मैं जानना चाहता हूँ कि शाहिद अफरीदी ने भारत के संदर्भ में क्या किया है। मैं इसका उत्तर देता हूँ। शाहिद अफरीदी ने भर भर के भारत को गालियां दी है ट्विटर पे अपने भाषणों में। उसने ना जाने कितनी बार भारत के बारे में फेक न्यूज फैलाई है, यहाँ तक कि कश्मीर को भी पाकिस्तान का हिस्सा बताया है। शाहिद अफरीदी इंडिया से घृणार्थात हेट करता है। मेरी नहीं सुनना चाहते, कोई बात नहीं, उसकी सुन लो। हमारे LOC पे और इंडिया के लिए तो मेरे पख्तून भाई बहुत ज्यादा है। हमारे पख्तून, हमारे कबायली, वो इंडिया के लिए काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज के अंदर पाकिस्तान फौज है।
हरभजन और युवराज सिंह चाहते हैं कि हम शाहिद अफरीदी जो कि एक इंडिया हेटर है हम उसको पैसा डोनेट कर दे क्योंकि उसने गरीबों के लिए कुछ काम करने की बात की है। तो शाहिद अफरीदी पे क्यों रुकना, पाकिस्तान में और भी बड़े बड़े आतंकवादी हैं जो भारत से घृणा नहीं करते बल्कि भारत में बड़े बड़े आतंकवादी हमले करवाते हैं, बम ब्लास्ट करवाते हैं, क्यों ना उनको पैसा डोनेट किया जाए। क्यों ना आतंकवादी हाफिज सईद को पैसा डोनेट किया जाए, वो भी कहता है कि वो मदरसे चलाता है जहाँ पे बच्चों को शिक्षा मिलती है। अब मैं कुछ अंदाजा लगा सकता हूँ कि वहाँ पे किस तरह की शिक्षा मिलती होगी। ये क्या चीज की तस्वीर है? अब सामान्य भारतीयों को तो भूल जाओ, यदि भारत के दो क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं कि वो शाहिद अफरीदी को पसंद करते हैं, शाहिद अफरीदी बहुत अच्छा है, तो मतलब शाहिद अफरीदी भी भारतीय क्रिकेटर्स को पसंद करता होगा? नहीं, ठीक कर देता था उनका मैं। टीम के साथ, इंडियन टीम कैसी है आप लोग के साथ, उनकी ट्रीटमेंट और उनका बातचीत वगैरह किस तरह? देखिए जी, एक छुपा नहीं सकता या झूठ बोल नहीं सकता, जितने भी हम कोशिश कर लें, जितना भी उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, लेकिन जो हमारा दिल है वो उनका नहीं हो सकता। हम लोग अंदर से जो जिस किस्म के हम लोग हैं पाकिस्तानी, वो शाहिद अफरीदी ने प्रिंट नाम की एक वामपंथी वेबसाइट को भी इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने साफ कहा कि भारत के विरुद्ध जब भी पाकिस्तान के कोई मैचेस होते थे तो पाकिस्तानी टीम के लिए इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिंपल थे कि जाओ और उन्हें नष्ट कर दो, जैसे कि सुसाइड बॉम्बर करते हैं। जी हाँ, तुमने ठीक सुना, जैसे कि सुसाइड बॉम्बर करते हैं। शाहिद अफरीदी इनको कितना भी बुरा बोल ले, लेकिन कुछ भारतीय बल्लेबाज इतने उत्तेजित हो चुके हैं कि इनको अपनी उत्तेजना मिटाने के लिए ना छोटा चाहिए ना प्रचंड चाहिए, इनको केवल शाहिद अफरीदी का लंड चाहिए। केवल इतना ही नहीं बल्कि शाहिद अफरीदी भारतीय हिंदू संस्कृति से भी हेट करता है। जब उसने देखा कि उसकी बेटियां स्टार प्लस पे इंडियन टीवी सीरियल देख रही हैं और उस सीरियल को देख के उसकी बेटी आरती कर रही है, ये देखते ही शाहिद अफरीदी ने टीवी तोड़ दिया। पहले टीवी तो नहीं तोड़ा होगा ना गुस्से में? एक दफा टीवी तोड़ चुका हूँ। क्या, किस चीज से मारा था? अच्छा, एक दफा मैं बेगम को ना, बेगम की वजह से वो टीवी तोड़ा था, बेगम बता रहा हूँ। तो पहले ये हमारे स्टार प्लस के ड्रामे बड़े चला करते थे, तो मैं बेगम को मना करता था। मैंने कहा आप अकेले में देख लिया करो, वो भी टीवी बहुत कम देखती है। अच्छा। तो मैंने कहा अकेले में देख लिया करो टीवी, आप बच्चों को ना बिठाया करो। अच्छा। तो मैं एक दफा घर आया तो मैं कमरे से बाहर निकला तो अंशा थी कि अक्षा थी, तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो इंडियन ड्रामो में क्या होता है, थाली लेके यूं करके क्या कहते हैं उसको पता नहीं, आरती पता नहीं क्या, वो यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो एक दफा टीवी थोड़ा था, फिर उसके बाद। अब एक अंतिम बार देखो इस चूतिए के मुखड़े को, ये भारत से हेट करता है, भारतीय संस्कृति से हेट करता है। और मेरी दिखाई गई इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद भी यदि तुम इसे पैसे भेजते हो, यदि तुम इसको पैसे डोनेट करते हो, तो मैं तो कहूंगा कि तुम वही बंटी हो, तुम वही चूतिए हो। तो आज के लिए बस इतना, इस वीडियो को शेयर करो। और क्या मैंने तुम्हें बताया कि मैंने एक सबरेडिट बनाया है? तो इसलिए अपनी नई सबरेडिट दोहन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, जाओ उस सबरेडिट को ज्वाइन करो और इस चैनल से रिलेटेड मुझसे रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करो। अगली सबरेडिट वीडियो के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा रोस्ट करो, मेरा मजाक बनाओ, मुझ पे मीम्स बनाओ और मैं तुम्हारी उन मीम्स पे रिएक्ट करूंगा। धन्यवाद। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम भी यूज करता हूँ, यदि तुम मुझे मैसेज करना चाहते हो, मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो, जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो।